दोस्तों एंगल गलत होने के कारण जो है टेक्नोस का जो स्प्रे है आपको सही से दिख नहीं रहा होगा, इसका प्रेशर आपको कम लग रहा होगा कि स्प्रे बहुत ही कम कर रहा है, लेकिन जो एंगल है हमारा गलत है, इस कारण जो है वो सही से जो है कैमरे में दिख नहीं रहा है कि कितना जो स्प्रे अच्छे तरीके से कर रहा है, तो इसी कारण जो है कम लग रहा है। लेकिन आगे जो ये स्प्रे कर रहा है तो ये अनार के साथ जो है सभी प्लांट पर कर रहा है। दोस्तों टेक्नोस पर जब हम कहते हैं कि अनार पर स्प्रे होता है, तब पास ही में जब हमने HRMN99 अन्ना और डोरसेट गोल्डन के जो टिश्यू कल्चर के M9 रूटस्टॉक के प्लांट लगाए, तो आप देख सकते हैं कि पास ही में हमने इसीलिए लगाए थे कि टेक्नोस जब अनार पर छिड़काव कर रहा है तो साथ ही में उन्हीं पर ही छिड़काव कर रहा है, और प्याज, पपीता, मिर्च और एप्पल M9 रूटस्टॉक के पौधे तो सभी जो हैं पास में मौजूद हैं, तो इसके कारण जो है अनार पर छिड़काव हो रहा है, साथ में इन पर भी छिड़काव हो रहा है, जिसके कारण जो है हमारे एप्पल के पौधों की ग्रोथ बिल्कुल भी रुकी नहीं, और अब आप देख सकते हैं कि एप्पल के प्लांट जो है आ चुके हैं। तो अन्ना, डोरसेट गोल्डन, HRMN99 इन तीनों पर जो है बेहतरीन रूप से जो स्प्रे होता है नियमानुसार, और इसी कारण इनकी ग्रोथ नहीं रुकी और बहुत ही बेहतरीन इनकी ग्रोथ हो चुकी है। तो इस साल हमें जो है डेमो के तौर पर जो है कुछ फल इनसे मिलेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार का रिजल्ट जो है हमें इनका मिलता है, किस प्रकार का जो फ्रूट है हमें इन पौधों से मिलता है, जिससे हमें रूट स्टॉक का पता चल जाएगा कि कौन सा रूट स्टॉक कैसा हमें रिजल्ट दे रहा है, जिसके कारण आने वाले समय में जो है हम इस रूट स्टॉक को जो है आगे बढ़ा सकें। तो M9 रूट स्टॉक के आप पौधे देखते हैं और पास ही में अनार देख सकते हैं, तो इसी कारण हमने पास में जो है इसका प्लांटेशन किया था। तो प्याज के साथ जो है एप्पल, मिर्च और पपीता के पौधे भी हैं यहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें जो है हमने लगा रखी हैं, जिसके कारण जो है सही समय पर जो स्प्रे हो सके और अच्छा रिजल्ट हमें मिल सके। आप देख सकते हैं मिर्च के पौधे, तो इन पर भी अच्छी फ्लोरिंग हो रही है। तो मिर्च के साथ जो है धनिया भी है यहाँ पर, तो सभी चीज़ें जो है हमने नॉर्मल जो बेसिक चीज़ें हैं हमारे पूर्ति के लिए जो हमें घर के लिए चाहिए थी वो हमने लगा रखी हैं, और बेहतरीन स्थिति है। तो यहीं पर भी हमने प्लांट लगाए पपीता के और एप्पल के, जिससे कि हमें अच्छा रिजल्ट मिल सके। तो यहाँ के जो प्याज है वो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बेहतरीन है, तो हम कह सकते हैं कि एक अच्छा ट्रीटमेंट अगर हम करते हैं तो कोई सी भी फसल हो उसमें अच्छा हमें रिजल्ट मिलता है। आप देख सकते हैं ये पपीता के पौधे हैं, तो ये भी बेहतरीन जो है फ्रूट हमें देगा, तो इसी कारण हमने जो है सभी पास में लगाए हैं, जिसके कारण इनका जो ट्रीटमेंट होता रहे। और प्याज भी आप देख सकते हैं, प्याज भी बहुत ही शानदार है, तो सभी चीज़ें जो है बहुत ही बेहतरीन है।